ये बात हमने अक्सर सुनी है घर पर और बाहर भी कि मतलब आप अपने बालों को नीचे से इतना इतना कटा लो आपके बाल दुगनी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपको अपने बालों को अच्छे से मेंटेन रखना है तो हर बार अपने बालों को नीचे से एक एक इंच तक कटाना चाहिए। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ यही सोच के अपने बालों को हर दूसरे तीसरे महीने के किंच कटा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से उनके बालों की दुगनी तेज़ी से ग्रोथ हो सकती है, उनके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। देखिए, खूबसूरत बाल हर कोई चाहता है, इसलिए तो कई सारे पार्लर्स होते हैं जो बहुत ही महंगी महंगी ट्रीटमेंट कराते हैं। लोग अपने बालों पर बहुत सारी अलग अलग केमिकल से ट्रीटमेंट कराते हैं और इसमें से सबसे आम बात होती है हेयर कटिंग। लोग मानते हैं कि अपने बालों को नीचे से एक एक इंच कटाने से उनके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। इस बात पर कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये रिलेट करते होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या सच में बालों को नीचे से कटाने से उनके बाल बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, या तो सिर्फ एक मिथ है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतर वीडियो आपको मेरे चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। देखिए, आपको बता दें कि ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बालों की लंबाई को बालों की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता है। दरअसल आपके बालों की ग्रोथ है वो आपके हेयर फॉलिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपकी जड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप सही मात्रा में न्यूट्रिशन वाला खाना लेते हो, बेहतर ढंग से अपने बालों की देखरेख रखते हो, तब आपके बाल अच्छे से ग्रोथ होना शुरू होते हैं। अभी आप बालों को अपने नीचे से अपनी लंबाई से कटाते हो तो अभी आप ही सोच सकते हो कि यहाँ से काटे गए हुए बाल यहाँ पर कैसे असर करते हैं। दरअसल अगर आप अपने बालों को अच्छे से ग्रोथ अपने बालों को ग्रोथ देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बाल अच्छे से रहे, हेल्दी रहे, तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि जो गुड फैटी एसिड्स वाली चीज़ें होती है, प्रोटीन है, बायोटिन प्रोटीन है, और जो विटामिन्स मिनरल्स और जिंक आयरन, ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वैसे तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डाली है कि अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए, आप बालों को मजबूत बनाना चाहते हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, इसमें वेज और नॉन वेज दोनों ही चीज़ों का मैंने जिक्र किया है। अगर आप जानना चाहते हो अपनी डाइट में कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ों को ऐड करना चाहते हो जो कि आपके बालों के लिए हेल्दी हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेकर फुल वीडियो देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसकी लिंक दे दूँगी। देखिए, आपको बालों को जड़ों से आपको हेल्दी बनाना चाहिए, जैसे कि आप अपने बालों को रेगुलरली साफ कीजिए। डैंड्रफ हो तो उसके लिए ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से भी बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि बालों में डैंड्रफ हो गया है या तो फिर बहुत ही बाल झड़ रहे हैं, तभी भी लोग सोचते हैं कि बालों को नीचे से कटाने से हेयर फॉल उनके रुक जाएंगे। देखिए, दरअसल ये काम इस तरह करता है कि जब आप बालों को अच्छी मात्रा में कटा लेते हो तो बाल उलझते कम है। यानी कि अभी आप सोच सकते हो कि जब आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं और आपके बाल हर बार उलझ जाते हैं, आप उसको कंघी करते हो, तो जाहिर सी बात है कि उलझे हुए बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं। तो इस तरह से आपको हेल्प मिलती है, यानी कि अगर आप अपने बालों को अच्छी मात्रा में कटाते हो तो आपके बालों में कम घूंचे पड़ती है, बहुत ही कम उलझते हैं, जिसके चलते आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नीचे से बालों को कटाया तो आपकी अच्छी हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए ये पूरी तरह से मिथ है, पूरी तरह से गलत चीज़ है। ऐसा सोचना कि आप अपने बालों को हर महीने नीचे एक एक इंच से कटा लोगे तो आपके बाल अच्छे से तेज़ी से ग्रोथ होने लग जाएंगे। हाँ, हालांकि अपने बालों को हर वक्त नीचे से एक एक इंच कटाने से आपको एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि दो मुँहे बाल से आप छुटकारा पा सकते हो। दो मुँहे बाल नीचे से शुरू होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखते हैं, और अगर आप दो मुँहे बाल को नहीं कटाते हो तो आपके पूरे बाल ख़राब हो सकते हैं। तो आपको नीचे से बाल कटाने से दो मुँहे बालों से आपको छुटकारा मिल सकता है। कहा जाता है कि हर महीने एक एक इंच अपने बालों को नीचे से कटाना चाहिए, क्योंकि दो मुँहे बालों की दिक्कत कभी भी हो सकती है, और कई बार इतने अनचाहे बाल हो जाते हैं जो कि आपको नहीं पसंद होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हेयर कटिंग से दूर हो जाती है। मगर आप अपने बालों को अच्छी ग्रोथ देना चाहते हो, इसके लिए अगर आप बाल कटा रहे हो तो ये पूरी गलत बात है।
दरअसल जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हो, जंक फूड, फास्ट फूड, तला हुआ चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तो भी आपको हेयर फॉल की दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन रखनी चाहिए। आप ऊपर से भी अपने बालों की केयर कीजिए रेगुलरली, एक हफ्ते में एटलीस्ट आप तेल की मसाज कर सकते हो, आप नारियल तेल यूज़ कर सकते हो, नारियल तेल बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके बाल कटाने से आपके बाल दुगनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो ये पूरी तरह से गलत बात है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।